गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ राबिया। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने फेशियल हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कोई एक अच्छा मेथड ढूंढ रहे हैं आपके बालों को रिमूव करने के लिए। आप अपने बॉडी के कोई भी पार्ट से, चाहे आपके लेग्स हो, हैंड्स हो, अंडरआर्म्स हो, बिकनी एरिया हो, कहीं से भी आप अपने बालों को रिमूव करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ मेरा एक्सपीरियंस शेविंग से रिलेटेड। शेविंग से रिलेटेड कुछ मिथ्स थे, जैसे कि शेविंग करने से आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है और शेविंग करने से आपके बाल जो है वो थिक आते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया कि ऐसा कुछ नहीं होता। ना शेविंग करने से आपकी बालों की ग्रोथ बढ़ती है, ना ही बाल थिक आते हैं, जैसे थे वैसे ही होती है। बट मेरा एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। आज से तकरीबन 1 से 2 साल पहले मैंने शेविंग करना शुरू किया था। मुझे बालों की इतनी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, फेस पे और हाथों पे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, पैरों पे थी और भी पैचेस में थी, हर जगह नहीं थी, दूर दूर भी थे और लेकिन लंबे लंबे थे। इस वजह से मुझे शेविंग मैंने शुरू की थी। जब हम शेविंग करते तो ऐसा तो नहीं होता ना, जहाँ पे बाल है हम वहीं पे रेजर चलाएंगे, जहाँ पे नहीं है वहां नहीं करेंगे। अगर मुझे पैर पे करना है तो मैं पूरे हाफ लेग पे जो भी मुझे शैम्पू कंडीशनर मिलता था वो अप्लाई कर लेती थी और रेजर चला देती थी। 13-14 महीने के बाद में मैंने ये नोटिस किया कि जो पैचेस पे, जो एरिया पे मुझे बाल नहीं थे, वहां पे भी मेरी बालों की ग्रोथ हो गई है। तो इसका मतलब मेरे एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो शेविंग से मुझे बालों की ग्रोथ हुई है। और वो छोड़ो, क्या हम बचपन में या बच्चों को हम क्या गंजा नहीं करते, टकला नहीं करते? स्पेशली उन लोगों के करते हैं जिनके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, और जब हम करते हैं उनको गंजा करते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उनके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। ये हमारे घर में फॉलो होता है, मेरे आस पड़ोस में भी फॉलो होता है और आई एम श्योर आपके यहाँ पे भी, मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे ये चीज फॉलो होती है। तो हम अब इसमें साइंस को माने कि ये जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसको माने, मुझे नहीं समझा। फिर भी मैंने साइंस की सुन के मैंने रेजर को अपनाया और मुझे ये पता चला कि वो गलत था मेरे लिए। मेरी बालों की ग्रोथ वहां पे भी अब होने लगी है। हाँ, थिकनेस की बात करूँ तो थिकनेस का मैंने मेरे पे नहीं पता चला, क्योंकि मेरे बाल जो है वो फाइन है, इतने थिक नहीं है। मेरी सिस्टर ने मुझे देख के शेविंग करना शुरू किया था और उसके बाल मुझसे ज़्यादा बहुत घने हैं, लेकिन थिकनेस उसकी इतनी हो गई है जैसे जो लड़कों की दाढ़ी होती है बिल्कुल उसी तरह से उसके बाल आने लगे हैं। तो थिकनेस का उस पर मुझे पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बोलते हैं शेविंग से आपके बाल थिक नहीं होते, होते हैं। मैंने महसूस किया है, उसी के ऊपर मैं आपको ट्रीटमेंट करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि उसके बाल कैसे है, बिल्कुल थिक, जैसे लड़कों की दाढ़ी होती है बिल्कुल उसी तरह से आने लगे हैं। तो इसी वजह से फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज आप शेविंग, मैं ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आपके साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हो सकता है एक प्रॉब्लम हो सकता है सारी प्रॉब्लम आपको एक साथ हो जाए। एक भी प्रॉब्लम होगी और सोचो आपने अगर फेस पे उस चीज को ट्राई किया तो क्या होगा आपके फेस का, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ सकती है, आपको मोटे मोटे बाल आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि प्लीज आप शेविंग को तो मत अपनाओ। और मैं ये नहीं बोल रही कि मैं शेविंग को क्विट कर रही हूं, मैं शेविंग को क्विट नहीं कर सकती, क्योंकि इन केस कभी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, अर्जेंसी होती है, जहाँ पे कोई ओकेजन है, इवेंट है, मुझे जाना है और मेरे हाथों पे, पैरों पे बाल है जिसको मुझे रिमूव करना है, तो वो टाइम पे जो सबसे आसान मेथड होता है बालों को रिमूव करने का वो शेविंग होता है। 2-3 महीने में कहीं पे आपको एक बार जरूरत पड़ती है, आप उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हो, चलेगा। लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप कौन सा मेथड यूज करते हो आपके बालों को रिमूव करने के लिए, उससे फर्क पड़ता है कि आपके बाल कैसे आएंगे और कितने आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप शेविंग को तो प्लीज मत चूज करो अपने फेस के लिए और अपने बॉडी के लिए, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये है कि शेविंग से आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है और शेविंग से आपके बाल थिक भी आते हैं। तो इसीलिए बालों को रिमूव करने के लिए मैंने जो मेथड चूज किया है, मैंने मेरी फैमिली को भी यही कहा है, वो है वैक्सिंग। ये एक सेमी परमानेंट मेथड है आपके बालों को रिमूव करने का। कोई एक पर्टिकुलर एरिया पे जब आप शेविंग करते जाओगे तो वो जगह पे आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, जबकि वैक्सिंग एक ऐसा मेथड है कोई पर्टिकुलर एरिया पे जब आप वैक्सिंग करते जाओगे तो वो एरिया पे आपकी बालों की ग्रोथ खत्म हो जाती है। क्योंकि जैसे आपको पता है वैक्सिंग से जो आपके बाल है वो जड़ से निकलते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपके बाल लेट आते हैं। शेविंग आपको रेगुलरली करते रहना पड़ता है, वैक्सिंग अगर आप एक बार करोगे महीने में तो आपको महीने भर की फुर्सत हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर ग्रोथ। इसको रेगुलरली करते रहने से ये एक सेमी परमानेंट मेथड भी हो जाता है आपके बालों को रिमूव करने का। जो लोग ज्यादा कॉस्टली हेयर रिमूवल मेथड जैसे कि लेजर वगैरह पे खर्चा नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है कि आप वैक्सिंग ही करें।
क्योंकि वैक्सिंग से आपकी बालों की ग्रोथ बढ़ती नहीं है, इनफैक्ट रिड्यूस हो जाती है, ख़त्म भी हो सकती है। दूसरा, इससे आपके बाल जो है वो मोटे नहीं आते, थिक नहीं आते। जब आपकी बालों की ग्रोथ होती है तो वो बिल्कुल सॉफ्ट ही रहते हैं, जैसे आपके बाल थे। शेविंग से अगर आपने कभी ये नोटिस किया होगा, जब न्यू हेयर ग्रोथ होती है दूसरे दिन से ही आपको वो हेयर ग्रोथ दिखने लगती है, वो पॉइंट जो है वो चुभने लगते हैं, और जब वो आने लगते हैं तो आपको खुजली होने लगती है, राइट। वैक्सिंग से आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती। प्लस वैक्सिंग से आपकी स्किन अच्छे से एक्सफोलिएट होती है, डेड सेल्स आपके रिमूव हो जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप रेगुलरली वैक्सिंग करोगे तो आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, क्लॉक पोर्स जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार फेशियल हेयर या बॉडी के हेयर को रिमूव करने के लिए वैक्सिंग को अपनाओ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो से। एक्चुअली वैक्सिंग जो है, आजकल जो वैक्स निकले हैं वो दो टाइप के वैक्स है। पहले सिर्फ सॉफ्ट वैक्स होता था, आजकल जो दूसरा वैक्स है वो हार्ड वैक्स है। हार्ड वैक्स स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगी आपके फेस के लिए, सेंसिटिव एरियाज के लिए, जैसे आपके फेस, आपकी बिकनी एरिया, और आप चाहो तो अंडरआर्म्स पे भी हार्ड वैक्स को यूज कर सकते हो। सॉफ्ट वैक्स आपकी पूरी बॉडी, लेग्स, थाइज, आर्म्स वगैरह, स्टमक, बैक, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो से कि हार्ड वैक्स क्या होते हैं। हार्ड वैक्स इसे कहते हैं, इसको आप वैक्स बीड्स, वैक्स बीन्स बोल सकते हो। ये मैंने कोई एक रैंडम ब्रांड का लिया है। जो भी मैंने सारी चीज़ें ली है सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसको ज़रूर चेकआउट करें। ये वैक्स बीड्स को आपको मेल्ट करना होता है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी मेल्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर वैक्सिंग को अपनाना चाहते हो या करना चाहते हो तो प्लीज़ एक अच्छे वैक्स हीटर में इन्वेस्ट करो, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मेरे पास ये वैक्स हीटर है, इसको भी अगर मैंने ऑनलाइन परचेज किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैक्स बीड्स को मैं इसमें मेल्ट करूंगी, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको मेल्ट होने, और एक बार जब ये मेल्ट हो जाए तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, रनी कंसिस्टेंसी में आ जानी चाहिए। अब इसको आप अपने ट्रीटमेंट वाले एरिया पे अप्लाई करेंगे। क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स है मैं आगे बताऊंगी, पहले मैं बताती हूँ कि हार्ड वैक्स आपको अप्लाई कैसे करना है। आपकी ट्रीटमेंट वाली एरिया को आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए, उसको ड्राई कर लीजिए, हो सके तो पाउडर भी अप्लाई कर लीजिए, और फिर ये वैक्स को लेकर इसको थोड़ा सा पहले रोल करें ताकि जो एक्सेस है वो नीचे इस तरीके से बैठ जाए, और फिर इसको अपने ट्रीटमेंट वाली एरिया पे इस तरीके से अप्लाई करें। इसका जो टेम्परेचर है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर की तरह ही रहता है लगभग, तो इसलिए आपको ज़्यादा बर्न नहीं करेगा, कट्स, वोन्स, इरीटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी जो सॉफ्ट वैक्स में नॉर्मली होती है। प्लस जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये आपके स्किन को नहीं चिपकता, ये आपके सिर्फ हेयर को यानी कि बालों को चिपकता है, इसलिए इसको रिमूव करते वक्त आपको ज़्यादा पेन नहीं होता जो सॉफ्ट वैक्स में होता है। एक बार आपने इसको लगा दिया, कुछ सेकेंड्स के लिए सिर्फ आपको रुकना है, कुछ सेकेंड्स के लिए हल्का सा हार्ड हो जाता है, बिल्कुल एक प्लास्टिक के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब इसको आपको वही, इसका जो नीचे का एंड है उसको पकड़ के ऊपर की तरफ आपके बालों के अगेंस्ट, डायरेक्शन के अगेंस्ट आपको पुल करना है। सिर्फ एक ही झटके में आपके बाल बिना कोई ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा पेन के आपके बाल रिमूव हो जाएंगे। सेंसिटिव एरिया जैसे कि फेस, बिकनी और अंडरआर्म्स, इन सब के लिए मैं आपको हार्ड वैक्स सजेस्ट करूँगी। स्पेशली फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए तो आप हार्ड वैक्स का ही यूज़ करें। और हाँ, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, मैन हो या वुमेन हो, मेल हो या फीमेल हो, हर किसी के लिए ये वैक्स बना है। इनफैक्ट ये दाढ़ी के बालों को भी बहुत ही आसानी से रिमूव करता है, ये वैक्स इतना स्ट्रॉन्ग है। तो आपके जो इस चीक्स का एरिया होता है उसको क्लीन करने के लिए, लड़कों को भी चीक्स पे बाल होते हैं जिसको रिमूव करने से उनका वो एरिया शाइन करने लगता है, ये सिर्फ आपके बालों को ही रिमूव नहीं करता, ये आपकी स्किन से जो भी ब्लैक हेड्स है, डेड स्किन है, उसको रिमूव करता है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। इसको आप अपने फोरहेड पे, नोज पे, चीक्स पे, हर जगह अप्लाई कर सकते हो, इससे आपकी स्किन क्लीन, क्लियर और स्मूथ बनती है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए आप हार्ड वैक्स के यूज़ करें, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही सेफ है, इफेक्टिव है, मेस फ्री है, इसमें कोई स्ट्रिप्स नहीं लगती, प्लस ये बहुत ही सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो सेमी परमानेंट या परमानेंट तरीके होते हैं बालों को रिमूव करने के, जैसे लेज़र वगैरह। अब हम फिलहाल बढ़ते हैं सॉफ्ट वैक्स की तरफ। सॉफ्ट वैक्स में आपको रिकमेंड करूँगी बाकी पूरी बॉडी के हेयर को रिमूव करने के लिए, वहाँ पर मैं हार्ड वैक्स नहीं बोलूँगी। तो इसके लिए आपको अगेन एक वैक्स हीटर की ज़रूरत है, और फिर आपको चाहिए एक ऐसा शुगरी वैक्स जो होता है, इसे चाहो तो आप घर पे भी बना सकते हो, शुगर, लेमन और पानी के मिक्सचर को बॉइल करके। मुझे परचेज़ करना ज़्यादा बेहतर लगता है, उतनी चीनी, उतना गैस, आपका सब कुछ आता ही है। और फिर आपको इस तरीके की वैक्स स्ट्रिप्स की ज़रूरत होगी सॉफ्ट वैक्स के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने जहाँ से परचेज़ की उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सॉफ्ट वैक्स को जब भी आप लेते हो तो लेने का तरीका इसका कुछ इस तरह से होता है, इसको आपको डिप करके इस तरह से रोल करना है, और फिर आपको इस वैक्स हीटर में डालना है। जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है आपको इसी तरह से लेना होता है, लो, इसको थोड़ा सा रोल करो, फोल्ड करो, और फिर इसको वैक्स हीटर में डालो।
और इसको थोड़ा सा हीट करो ताकि ये थोड़ा सा पिघल जाए, इस तरह से रनी कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब इसको यूज़ करने का तरीका आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ असल तरीका वैक्सिंग करने का, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आमतौर पर लोगों को वैक्सिंग करने से होती है। जैसे किसी को दाने हो जाते हैं, किसी को स्ट्रॉबेरी लेग्स की प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं आपको स्टेप बताती हूँ कि आपको वैक्सिंग करने कैसी चाहिए, चाहे हार्ड वैक्स हो या सॉफ्ट वैक्स हो। सबसे पहले तो आपको वैक्सिंग करने के एक या दो दिन पहले आपकी जो ट्रीटमेंट वाली एरिया है उसको स्क्रब करें, चाहे फेस हो आपका या पूरी बॉडी हो, उसको आप स्क्रब करें। इसके लिए आप कोई अच्छा बॉडी स्क्रब यूज़ करें। बेस्ट है कि आप घर पे बनाया हुआ स्क्रब यूज़ करें, और सबसे जो बेस्ट यहाँ पे काम करेगा वो होगा चावल का आटा। आप थोड़ा सा चावल का आटा यानी कि राइस फ्लावर लीजिए, फिर आपको इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे ये वाओ का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, 3 से 4 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें ऐड करें ऑरेंज पील पाउडर, फिर आपको इसमें ऐड करना है रोज वाटर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये स्क्रब की कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब इसको आप अपने बॉडी पार्ट्स पे, चाहे आपके लेग्स हो, आर्म्स हो, जहाँ पे भी आपको वैक्सिंग करनी है वहाँ पे इसको अप्लाई करके आपकी बॉडी एरिया को अच्छे से स्क्रब करें। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे आपके बाल आपस में चिपकते नहीं हैं, इससे आपको इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इससे आपकी डेड सेल्स निकल जाते हैं, आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है, इससे आपके जो बाल है वो बिल्कुल एक ही बार में आसानी से कम्प्लीटली निकल भी आते हैं। और ध्यान रहे कि स्क्रब जो है वो वैक्सिंग करने से एक दो दिन पहले करोगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। जिस दिन आपको वैक्सिंग करनी है उस दिन आप अपने बॉडी पे बॉडी लोशन नहीं यूज़ करेंगे। अब वैक्सिंग करने के टाइम पे आपको आपकी बॉडी को बिल्कुल क्लीन कर लेना है। अगर आपकी स्किन कम्प्लीटली ड्राई नहीं लगती है तो हल्का सा पाउडर अप्लाई कर लीजिए। पाउडर अप्लाई करने के बाद आप अपने स्पैटुला में रिक्वायर्ड अमाउंट में वैक्स लीजिए। ये इतना गर्म होना चाहिए कि ये इस तरह रनी कंसिस्टेंसी में भी रहे और ये आपकी स्किन के लिए कंफर्टेबल भी रहे। फिर इसको आप अपने ट्रीटमेंट वाली एरिया पे अप्लाई करें, आपकी बालों की डायरेक्शन में ही। अब इसके ऊपर ये वैक्स स्ट्रिप रखे, अगर आप चाहो तो वैक्स स्ट्रिप को दो हिस्सों में काट भी सकते हो। नीचे का जो एरिया है वो थोड़ा सा छोड़ दे, ये पुल करने के काम आता है कि बालों के डायरेक्शन में इसको रब करे कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर नीचे के जो हमने स्ट्रिप छोड़ी थी उसको पकड़ के पुल करे आपके बालों की अपोजिट डायरेक्शन में, और ये देखिए आपके बाल इसे कैसे कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं। बस आपको वैक्स अप्लाई करना है आपके बालों की डायरेक्शन में, स्ट्रिप लगाना है और पुल करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अप्लाई करें, पुल करें, अप्लाई करें, पुल करें, बस कुछ ही मिनटों में आपकी स्किन बिल्कुल हेयर फ्री हो जाएगी, बाल आपके सारे निकल जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन, क्लियर और स्मूथ हो जाएगी। वैक्सिंग करने के बाद आप चाहो तो एक आइस क्यूब लेके उस एरिया पे रब कर सकते हो, और उसके बाद में आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। अगर आप अपने बालों की ग्रोथ को बहुत जल्दी रिड्यूस करना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि मॉइस्चराइजर की जगह पे आप वाओ का ये हेयर वैनिश यूज करें। ये एक्चुअली एक हेयर रिटार्डेंट है, यानी कि ये आपकी बालों की जड़ों को कमजोर बनाता है। तो इसीलिए ध्यान रहे कि ये आपके स्कैल्प एरिया पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे आपके हेयर फॉलिकल्स कमजोर होते हैं, जिससे आपके बालों की ग्रोथ उस जगह पे फिर से नहीं होती। तो इसीलिए कोई भी हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के बाद, एक्चुअली इसको आप शेविंग के बाद भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि वैक्सिंग से आपके बाल जड़ से रिमूव होते हैं तो ये क्रीम आपके जड़ों तक समाती है, आपके जड़ों को कमज़ोर बनाती है और अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। तो इसीलिए इसको आफ्टर कोई भी हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट इसको अप्लाई करें उस एरिया पे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको एक सेमी परमानेंट प्लस बहुत ही फास्ट तरीका मिलता है आपके बालों को परमानेंटली रिड्यूस करने का। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए सबकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसको जरूर चेकआउट करें। और कुछ मिथ है वैक्सिंग से रिलेटेड कि वैक्सिंग करने से आपकी स्किन जो है वो लूज हो जाती है, इसलिए शेविंग करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सिंग करने से आपकी स्किन लूज होगी। अगर आप उसको डेली करते हो और वो भी सॉफ्ट वैक्स करते हो आपके फेस पे, तो आपकी स्किन लूज हो सकती है। लेकिन आप उसको अगर महीने में 15 दिन में एक बार करोगे, और अगर उस पर आप हार्ड वैक्स करोगे, तो भूल ही जाना कि आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम होगी। सॉफ्ट वैक्स से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी महीने 15 दिन में एक बार यूज करने से। तो इससे आपकी स्किन कोई लूज वूज नहीं होती, आपकी स्किन बिल्कुल उसी तरह से रहती है। प्लस इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है, ब्लैक हेड्स आपके रिमूव होते हैं, आपके बाल निकलते हैं, तो आपकी स्किन पहले से ज्यादा लाइट और ब्राइट दिखती है। और इससे आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती भी नहीं है, जब आपके न्यू हेयर आते हैं तो उसी तरह सॉफ्ट रहते हैं और आपको इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती, इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम नहीं होती। बस जैसे मैंने बताया बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करो, आपको वैक्सिंग का पूरा बेनिफिट भी मिलेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मैंने आपको फिर से किसी तरह से हेल्प की रहोगी आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। और मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल टॉपिक के साथ में, जो आपको काम आएंगे आपकी स्किन केयर में, आपकी ब्यूटी रेजिम में। तो मिलती हूँ मैं आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।